वेलकम बैक टू आई चैनल तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी ये है सैलेड बहुत हेल्दी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बेस्ट सैलेड है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है बहुत टेम्पटिंग भी दिख रहा है बहुत कलरफुल है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसकी बात तो है यार इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर है और बहुत कलरफुल है टेस्टी हेल्दी डिलीशियस दो तीन बाउल तो आप ऐसे ही खा जाओगे तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेटस लीव्स लिए हैं ये आपको ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे तो देखिए इसको अच्छे से वॉश करके ऐसे मैंने काट लिया है मोटा मोटा इसको बेस में मैं लगा रही हूँ इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें ककड़ी बारीक बारीक ककड़ी मैंने काट ली है और इसको मैंने प्लेस किया है जो इसका प्रेजेंटेशन है बहुत ही सुंदर लगता है तो आप इसी प्रकार से इसे कीजिए खाने में भी मजा आएगा बहुत सुंदर लगता है और देखने में तो इसकी खूबसूरती हुआ इसके बाद मैंने कॉर्नस लिए हैं कॉर्न्स को आप एक पानी में बॉईल कर लीजिए तो इसका कच्चापन जो है निकल जाएगा बहुत ही जल्दी ये कॉर्न्स जो है पक जाते हैं इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमेटो बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है आप ही देख के बताइए लग रहा है ना कितना सुंदर तो बहुत बार हम जंक खाते हैं उसको छोड़ के एक बार ये हेल्दी सी रेसिपी आप ट्राई कीजिए वेट अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो रोज़ आप ये खाइए इसी के साथ हम इसमें प्रोटीन भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने उबले हुए चने इसमें ऐड किए हैं देखिए तो यहाँ पे उबले हुए चने भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रंची नेस के लिए प्याज़ लंबा लच्छों में कटा हुआ अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं अब सैलड के तो काफ़ी सारी इन्ग्रीडियंट्स आते हैं मैं क्या क्या ही ऐड कर लूँ यहाँ पर मैंने कैरेट भी ऐड किया है आप चाहें तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं ब्रॉकली भी ऐड कर सकते हैं तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और यमी डिलीशियस से लग रहा है अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो इसी तरीके से इसको आप टेबल पे सजा के रखिए इसके बाद में हम एक ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है तो यहाँ पे मैंने कटोरी ले ली है कटोरी में हम सबसे पहले ऐड करेंगे आधा नींबू का रस आधे नींबू का रस आप ऐड कर लीजिए इससे ज़्यादा ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा इसी के साथ मैंने सात से आठ काले मिर्च कूट ली है आप चाहें तो काले मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब इसमें एक चम्मच मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना भी हो तो टेंशन मत लीजिए आप नींबू का रस और ब्लैक पेपर से काम चला लीजिए तो यहाँ पे हमारी जो ड्रेसिंग है ये रेडी हो चुकी है अब जो ये ब्यूटीफुल सा सुंदर सा सैलड है इसमें हम इसको ऐड करेंगे देखिए अच्छे से इसको सभी तरफ फैला दीजिए और हम इसको कर लेंगे मिक्स जब आप गेस्ट को सर्व करें या खुद जब आप खाएं इसे तब ही आप इसे मिक्स कीजिए ऐसे तो ये लुक्स वाइज ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है तो देखिए दो फोक मैंने ले लिए हैं और इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए डिलीशियस हेल्दी टेस्टी और बहुत सारे बेनिफिट्स हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस सैलड के तो आप जंक फूड थोड़ा सा एक टाइम स्किप कर दीजिए और इसे ज़रूर खाएँ आपके लिए बहुत ही हेल्दी है सबके लिए बहुत हेल्दी है तो ज़रूर इसे आप ट्राई करें और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ Please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching PR Seven AM. bye bye, and take care.